उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, कैरियर से होंगे। हम लोग भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो आज मैं गुलाबी चाय बनाने जा रही हूँ, जिसको कश्मीरी चाय भी बोलते हैं। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं चीनी, 5 चम्मच मैंने ले लिया, आप अपने हिसाब से ले लें जितने आप बना रहे हैं। ये मैंने बादाम और पिस्ता पीस के रख लिया है। इसके अलावा ये कश्मीरी चाय का पैकेट है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इजीली बाज़ार में अवेलेबल होगा ये। इससे आप आसानी से 6 कप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ओलपर्स का 1 किलो वाला दूध का डब्बा ले लिया, क्योंकि हमें करीबन 1 लीटर दूध 1 किलो चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने एक डेगची ले लिया, इसमें हम सबसे पहले दूध डालते हैं। सबसे पहले तो फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं इसमें ओलपर्स का दूध डाल रही हूँ, 1 लीटर है ये पूरा, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें दूध डाल के फ्लेम ऑन कर दिया। अब मैं इसमें चीनी, मैंने चूंकि 5 चम्मच आपको बोली थी, लेकिन आपको जितना आप पी सकते हैं, आप चीनी ले सकते हैं, आप उतनी डालें, 2 चम्मच 3 4 और 5 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाल दी है। इसके अलावा अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये कश्मीरी चाय, 1 पैकेट पूरा डालना है इसमें हमने। अच्छा जी, मैंने इसमें पूरा पैकेट कश्मीरी चाय का डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे चाय को। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसमें चाय डाल के अब इसको थोड़ा सा मिक्सअप करना है, ताकि जो चीज़ें इसमें पड़ी वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये आप इसको हम पकने देते हैं, जब पक जाती है तो मैं आपको तब बताती हूँ कि इसको हमने कितनी देर पकाना है। इसको करीबन उबाल आने देना है हमने, मतलब कि एक उबाल आए दूसरा उबाल आएगा तो हमने इसको उतार लेना है। अभी हमने इसको रखा है करीबन 5 मिनट तक, तो हमने इसको पकाना है, तो हम इसको पकने देते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारी चाय बॉयल हो रही है, तकरीबन इसका कलर भी गुलाबी गुलाबी सा हो गया, देखें जैसे कि इसको गुलाबी चाय बोलते हैं, तो इसका कलर भी पिंक पिंक हो गया, और ये इसमें बॉयल भी आ गया और ये पक चुकी है, ठीक है। करीबन मैंने इसको 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है, हाई पे नहीं पकाना है। अच्छा जी, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने चाय डाल ली है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, गुलाबी गुलाबी सा, और मैंने इसको चाय कप में डाल दिया है। और अब मैं इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ। गार्निशिंग हम कर रहे हैं ये बादाम और पिस्ता मैंने जो रखा हुआ था। अच्छा जी, ये देखिए हमारी गुलाबी चाय तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।